दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग खैरवाफियत से होंगे। दोस्तों बीजेपी ने अपनी सरकार के अंदर बहुत काम किए हैं और ये अनभक्तों को पता लगा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और गोदी मीडिया से। तो दोस्तों अनभक्तों का लेते हैं आज इंटरव्यू और इस पर देते हैं रिएक्शन। इनका जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं राजीव रंजना, उनको ही हैं 24 न्यूज से। वो भाई साहब अनभक्तों का इंटरव्यू ले रहे हैं और हम टॉप के आज अनभक्त देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में हंसना होना, हंसना नहीं होगा तो मैं कह रहा हूँ ये अनभक्त ज़ॉम्बीज हैं, ज़ॉम्बीज इंसान नहीं है, ज़ॉम्बीज हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये ज्ञान लेते हैं, ज्ञान भाई जान ज्ञान लेते हैं। तो दोस्तों टाइम ज़ाया नहीं करते, देखते हैं ये वीडियो और ये बड़ी फंटास्टिक होने वाली है और फनी होने वाली है वीडियो। लेट्स गो। मेरठ भी हुआ है, बुलंदशहर में भी हुआ है, काम तो पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ, देखो आप दबा के चारों तरफ काम हो रहा है। फिर से क्या भाई, आप देखो कि पहले तो रोड पे ही आ जाइए। वेरी गुड। जो रोड का था कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, आपका दिल्ली में भी जो ईस्ट दिल्ली थी ना, वहाँ से कनॉट प्लेस में आने बड़ा दूभर होता था। अब लोग हम तो गाजियाबाद से 15-20 मिनट में आधा घंटे में आ जाते हैं। ठीक है, और काम बताइए। वाह, और काम वाह। बाकी ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, असली बात तो रोडों का ही है। यार 10 साल का आप काम तो बता सकते हैं ऐसा? अब काम जब जमीन पे आप देखो, जमीन स्तर पे तो खूब काम हो ही रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, बता दीजिए। गांव में भाई साहब, बुलंद शहर में मेरा गांव पड़ता है, हमारे खेतों पे भी चक्रोड़ होती थी ना, वो कच्ची होती थी, अब खेतों पे सड़क है। अरे सड़क के अलावा कोई काम और बताएं? और यही तो छोटी छोटी जो नीचे की बुनियादी सुविधाएं थी वो सब कम्प्लीट होती है। अच्छा, धर्म की राजनीति वाली बात नहीं है, सब कहते हैं कि धर्म की राजनीति है। धर्म की राजनीति भाई साहब, धर्म की राजनीति तो 1947 में हो गई, जब देश का टुकड़े हुए। क्यों हुए? वो धर्म के आधार पे तो हुए। रुको जरा, सबर करो, कोई और वजह थी बताओ, कोई और कारण हो तो आप सब बताइए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मंगल सूत्र का बयान कौन दिया भाई साहब? मंगल सूत्र का बयान ये तो सभी जुमले हैं, और भी तो पार्टियां खूब देती हैं। आपका एक वोट ने राम मंदिर बनवाया, किसने बोला भाई साहब? ये तो सभी बोलते हैं। अच्छा। ये कह रहे हैं जिन पे भ्रष्टाचार के पहले आरोप थे, जिन पे ईडी सीबीआई के आई इनकम टैक्स की नोटिस थी, कुछ लोग तो ऐसे थे जो जेल में थे, ढाई ढाई साल जेल गए और निकल के आए, जब बीजेपी की तरफ आ गए तो उनको मंत्री बना दिया। नहीं सर, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। आप 2-3 नाम बताइए तो फिर मैं बताता हूँ ऐसा कौन हुआ है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अजीत पवार के बारे में जानते हैं? अजीत पवार महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे। अजीत, क्या केस था उन पे? उनका केस स्पेसिफिक नहीं पता है। छगन भुजबल का नाम सुना है? नहीं सर, इससे रिलेटेड नहीं पता। प्रफुल्ल पटेल का नाम सुना? नहीं सर। हसन मुशरफ का नाम सुना? नहीं। हेमंत बिश्वा का नाम सुना? हेमंत बिश्वा वो असम वाले, हाँ वो पार्टी चेंज करके आए थे, अभी मुख्यमंत्री। वो कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर क्या आरोप लगाया था बीजेपी ने, खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने, आपने सुना है? नहीं, वो आरोप नहीं पता मुझे। एक ही तरफ वाला पता है। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, देश के लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। सावन में कौन मटन खा रहा है? और ये चर्चा कोई सामान्य आदमी नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। 140 करोड़ का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में, जब देश के अगले 5 सालों की दशा और दिशा तय करने के लिए चुनाव हो रहे हैं, मटन मुर्गा पर लड़ाई आ गई है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। तो क्या लगता है कि 400 पार का मतलब? 400 बोल रहे, 400 पार सीटें आएंगी, मिलेगी उनको 400 पार? अच्छा, आप 400 पार कह रहे हो तो बीजेपी वाले जो बोलते हो वही सुन के बोल रहे हो कि आप भी अपना कोई विचार? कोई कैलकुलेशन नहीं है सर, एक एक इंट्यूशन है, एक अपनी दिल की चाहत है, एक दिल का एक सोच है। ये गोबर फेशियल की जगह गोबर लपेटते हैं अपने ऊपर। आपको क्या लगता है किस प्रदेश से ज्यादा उम्मीद है? किस प्रदेश से ज्यादा उम्मीद है? दिल्ली का तो अभी, चलो अभी टाइम है दिल्ली में, तो बाकी तो यूपी में आ रहा है, बिहार में सेम सीटें आ रही हैं। बिहार में कितनी थी पिछली बार? 25 थी। किसकी? बीजेपी की। और जेडीयू की? शायद सब मिला के 25 थी। बिहार में है कितनी सीटें इस बार? मेरे ख्याल से 30 सीटें कम से कम आएंगी।
दोनों मिलाकर। अरे कुल बिहार में कितनी सीटें? इतना तो भाई साहब मुझे आइडिया नहीं है। बाकी है कि पिछली बार 25 पड़ेगी कहाँ कहाँ? मैं समझता हूँ कि दो चार छोड़ करके तकरीबन सारी आ रही हैं। कितनी खुशी की बात है। बिहार में पूर्णिया से आ रही हैं सीटें, पूर्णिया से उसके जेडीयू के उम्मीदवार हैं। बिहार के अंदर मैं समझता हूँ मधेपुरा सीट पक्की है, जेडीयू से है, पूर्णिया की पक्की है, और आप इस साइड आते हैं गया साइड आते हैं वहाँ पक्की है, नवादा साइड आते हैं वहाँ पक्की है। आप यहाँ से? नहीं मैं तो दिल्ली से ही हूँ। बिहार की तो पूरी सीटें कितनी है इतना तो आपको पता ही नहीं है। चलना कितनी आई थी तो मोटा मोटा हिसाब बता रहे हैं। मैं मोटा मोटा पूछा, जब तक आप ये नहीं जानते कि किस राज्य में कितनी सीट है तब तक आप ये कैसे बता सकते हैं कितनी आएगी कितनी बढ़ेगी? क्योंकि हमारा राजनीति में है ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब बहुत उतरा नहीं है कि हम कैलकुलेशन एक एक करके बैठते रहे। बाड़े में नहीं हो गुदा तो बीच में काहे गुदा। नहीं कांग्रेस के पक्ष में तो आपके पास लंबी चौड़ी तकरीरें रहती है राजीव जी, आज मुझे शब्दों में कमी दिखाई पड़ी। आपने एक शब्द को बार बार दोहराया और कम समय में अपने वक्तव्य को खत्म किया, तो मैंने कहा कि आज की रैली में वो सब्सटेंस नहीं है कि राजीव जी भी उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। इतनी हमारी मेहमान नवाजी है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर कुछ किसी को बोलता नहीं हूँ, और हम मेजबान है और हमने आपको बुलाया, लेकिन सिर्फ इतना कह दूं कि किसी भी सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर किसी पत्रकार को विपक्ष के समर्थन में बोलते हुए कहा जा तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है, और आज आपने सुबह की शुरुआत अच्छी की है जो मुझे विपक्ष के साथ जोड़ दिया है। नहीं तो दौर तो ये चला है कि अपनी मर्जी के कहां सफर में हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का उधर के हम हैं। अरे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुरसिता हमारा। कौन लिखा है? कौन लिखा है यार? कौन लिखा है? नाम भूल रहा हूँ, ध्यान से अपना। अबे जल्दी बोल कर। भगत सिंह के कौन थे यार? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर से याद कर दी। बंकिम चटर्जी नहीं थे सर? ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। खोपड़ी तोड़। मैं ये जानता हूँ कि सर जिस घर में खाओ ना, जिसके लिए करते हैं उसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। अगर हम देश के लिए आए तो देश के लिए मरना चाहिए। अगर देश में रहे गद्दारी करे तो ऐसा इंसान देश में रहने का कोई हक नहीं है। बात सही है। ये अलामा इकबाल ने लिखा है और पाकिस्तान के ये कौमी शायर। ये लिखा गया था जब पाकिस्तान और इंडिया की आजादी से पहले, यानी कि जब डिवाइडेशन से पहले। क्या दिक्कत? एक ही थे भाई सब। ये फिर तो उस टाइम पाकिस्तान इंडिया एक ही था। प्रेम व्यवहार कुछ नहीं देखते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रुको यार, अब जा रहे हो टेक्सटाइल इंजीनियर। अब ये रुके तो क्या बोल रहे हैं कि इस देश में खाते लोग यहाँ का है, गाते पाकिस्तान का है, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस देश की सारे समस्या की जड़ मुसलमान है। आप सहमत इनकी बात? सर हाथ जोड़ के कह सकता हूँ आपको अभी तक बेसिक समझ नहीं आई इंसानियत की। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर डॉक्टर ये सोचने बैठ जाएगा कि तुम मोमडन हो तो फिर तुम कभी वो इलाज भी नहीं करा पाओगे। बात सही है। ये आपके मन में भरा जा रहा है। मन में भरा जा रहा है। नहीं नहीं सोचे मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जैसे श्रीमान जी कह रहे थे सही बात, रोजगार को नौकरी नहीं मिलती, तब तो पढ़े लिखे को बुला लिया। और मैं उनसे कहूँ कि इंटरटेनमेंट की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूँ इंटरमीडिएट की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहें इंटरनेशनल की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूँ एक्सरसाइज की स्पेलिंग बता दो, उनसे कहूँ एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग बता दो, या जिस परीक्षा के लिए जा रहे हैं उस परीक्षा का जो है सब्जेक्ट उसका फुल फॉर्म बता दो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कितना एग्जाम पर्चा लीक हो रहा है? नहीं पर्चा जो लीक हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं तो दूसरी पार्टियों का भी तो काम है। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम होने थे तीन एग्जाम होने थे। बहरहाल दोस्तों, ये बीजेपी की जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जहां से अनभक्त ज्ञान लेते हैं, अब हाल ये है कि ये भाई साहब तमाम ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। लेकिन इंडिया के चंद रिपोर्टर्स, चंद जर्नलिस्ट और चंद पॉलिटिकल लीडर, ये जो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश करते हैं, इनको समझाने की कोशिश करते हैं। 2024 का ये सॉफ्टवेयर न्यू इंस्टॉल करने की इनके जहनों में कोशिश कर रहे हैं कि भाई इंसान बनिए, ज़ॉम्बीज ना बनिए।
आपका ताल्लुक होना चाहिए तालीम के साथ, आप रोज़गार की बात करें सरकार से, लेकिन ये अपने जो बेसिक मुद्दे हैं उनको भूल करके ये बीजेपी इनको लगा दिया है हिंदू मुसलमान के ऊपर। तो भाई साहब एक ज़रा बात मुझे बताइए, ये जितने भी बजरंग दल के आरएसएस के हिंदुत्वा टक्कटर जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, ये जो लोग हैं, मुझे एक बात बताइए कि आप तमाम मुसलमानों को एक बोरी के अंदर भाई मिसाल के तौर पर बंद कर लें और उनको समंदर के अंदर फेंक दें, फेंक दिया मुसलमानों को, उसके बाद आपका क्या मुद्दा होगा बीजेपी से, ये बताइए हैं? फिर ये जातिवाद के ऊपर लड़ेंगे, अगर इसको भी ख़त्म कर देते हैं तो भाई फिर नेक्स्ट मुद्दा क्या होगा? और भाई अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने रोज़ी रोज़गार के बारे में सोचिए, आपके जो सीएम हैं, आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके जो नेता हैं सारे, उनका लाइफस्टाइल देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र, ये नौकर चाकर, पीछे बॉडीगार्ड्स, और ये बड़ी लग्जरी लाइफस्टाइल जीते, उनके तो बच्चे जाते हैं बाहर, कभी किसी मिनिस्टर का बच्चा देखा है कि वो रोडों पर उतरो? कभी देखा है? नहीं देखा। अमित शाह के बेटे को देखा है? जैसा शकल है उसका, वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जिसे बना दिया, शकल है उसका, उसका शकल देखा है आप लोगों ने? भैया ये अपने बेटों को मिनिस्टर मिनिस्टर बनाते हैं, बाहर भेजते हैं, वहां पर बिजनेस सेटल करवाते हैं, यहां से करप्शन करके पैसा वहां फेंकते हैं, और आम इंसान को लगा दिए हैं हिंदू मुसलमान पर पे। भाई ये हिंदू मुसलमान छोड़िए, अपने रोजी रोजगार की बात करिए, हर इंसान का जो मजहब है वो उसका निजी मामला है पड़ा, समझ रहे हैं? कोई भी उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकता, हर इंसान को अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक है, सिखों को अपने मजहब के मुताबिक, मुसलमानों को अपने मजहब के मुताबिक, हिंदुओं को अपने मजहब के मुताबिक, बुद्धिज्म वालों को अपने मजहब के मुताबिक, ठीक है मेरे भाई, और हिंदुओं और जितने भी हैं और क्रिश्चियंस को अपने मजहब के मुताबिक। तो भाई साहब ये हिंदू मुसलमान के चक्कर से निकलिए, अपने रोजी रोजगार की बात कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।